ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हम मेडिटेशन पर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि ध्यान पर। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है निर्मला सेवानी जी। निर्मला जी, कृष्णा सोनी जी एक बार फिर से कोटा से हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनका संपर्क पहले कट गया था। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। कृष्णा जी, अपने जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, मैं अपने बच्ची के लिए पूछना चाहती हूँ। वो अभी 9th में है, उसकी जन्म तारीख है 19/1/2002। ठीक है, सवाल पूछे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसको मैं आगे 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट दिलाऊं? कॉमर्स दिलाइए, मुझे लगता है वो BBA MBA कर सकती है, HR में काफी अच्छी है, उसी में जाएगी और जल्दी ही सेट हो जाएगी। जी निर्मला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अनकॉन्शियस जो माइंड होता है, अनकॉन्शियस जो दिमाग होता है, क्या मेडिटेशन करने से उस पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है? क्योंकि दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जो बहुत से अच्छे भी होते हैं और बहुत से नेगेटिव भी होते हैं। जो थॉट प्रोसेस है ना जी, वो सबकॉन्शियस का आखिरी सिरा जी, और कॉन्शियस का पहले सिरा की बात कर रहे तुम। अनकॉन्शियस का तो लेना देना नहीं है इस दुनिया से जी, वो पैरासाइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। तो जिस कॉन्शियसनेस की तुम बात कर रहे हो, क्या सवाल था तुम्हारा? मैं जानना चाह रहा था कि सबकॉन्शियस दिमाग होता है, कि उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है मेडिटेशन से? हाँ, मेडिटेशन से हम उसी पे मतलब कंट्रोल नहीं, उसको बैलेंस करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को छानते हैं, बैलेंस करते हैं, तीव्र करते हैं, ताकि उनको अच्छे कामों में लगा सके। अपने आप को नापते हैं तो करेक्ट करते हैं, तो करेक्शन का मतलब है मेडिटेशन, और वो सच में सबकॉन्शियस का हिस्सा होता है। तो हमारी वृत्तियां और प्रवृत्तियां भी ठीक होती, करैक्टरिस्टिक भी इनफैक्ट बैलेंस की जा सकती है मेडिटेशन से। जी निर्मल जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप जी हैं झालावाड़ से। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। लगता है कि निर्मल जी उनका जो संपर्क है उनसे कट गया है। निर्मल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कंपटीशन की भावना बहुत बार देखा जाता है कि लोगों में होती है, तो क्या कंपटीशन की जो भावना है मेडिटेशन करके खत्म की जा सकती है? बिकॉज हर आदमी अपना काम बेहतरी से कर रहा होता है। देखिए, प्रतिस्पर्धा और स्पर्धा में बहुत फर्क है ना जी। अगर जी आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं जी, है ना, स्पर्धा करते हैं सॉरी, तो ये ठीक है, क्योंकि उससे आप उससे उस चीज को परिष्कृत कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर आप प्रतिस्पर्धा करते हैं या ईर्ष्या में वो कन्वर्ट हो जाती है, तो ये तो बहुत ही मुश्किल चीज है। इससे तो क्या होता है कि आप अनिद्रा के भी शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, आप इन्वायरमेंट में भी क्लटर पैदा कर सकते हैं, आपको एंगर आता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है। ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, और इसको करेक्ट करने के लिए ही मेडिटेशन करते हैं, ये सच है जी। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अभी के लिए एक और बार फिर से कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ी हैं कोटा से। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। कृष्णा जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरी बेटी ने CS किया अभी। ठीक है, सवाल पूछिए कृष्णा जी। हाँ जी, मेरी बेटी ने CS किया है। हाँ जी, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कीजिए कृष्णा जी, और अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरी बेटी ने CS किया है, तो वो उसकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? उसकी जॉब बिल्कुल लग जाएगी, पर जनवरी में, अगले साल 2017 जनवरी में बहुत अच्छी जॉब लगेगी उसकी, और आगे वो बहुत जाएगी जी। निर्मला जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार मेडिटेशन करता है और या फिर करता आ रहा है बहुत समय से, तो क्या उन्हें वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव जो वाइब्रेशन होती है? वाइब्रेशन तो कॉन्शियसली भी आप पहचान सकते हैं जी, बल्कि वाइब्रेशन तो परिष्कृत होता है मेडिटेशन से, तो जो वाइब्रेशन आपका मैलिफिक है वो ठीक होता है, और आप अपने अंतस के इन्वायरमेंट को, माने अंदर के उथल पुथल को भी शांत करते हैं, और बाहर के इन्वायरमेंट में भी आप ऑरा जनरेट करते हैं थ्रू मेडिटेशन, जो आपका विशुद्ध चक्र होता है। ये मेडिटेशन जब हम ध्यान चक्रों पे ध्यान करना शुरू करते हैं, या ध्यान चक्रों पे ना भी करते हैं, लेकिन जब हमारी ऊर्जा का संचरण विशुद्ध चक्र पे होता है, तो हम अपने अस्तित्व को पहचानते हैं, तो अपने आप जो भी अशुद्धियाँ हैं
वो करप्ट होना शुरू हो जाती हैं और हम अपनी हमारा अस्तित्व क्या सृजन के लिए पैदा हुआ है, हम देवताओं के भी संतान हैं, है ना, शैतानियत तो हमको नीचे से आती है, तो वो करप्ट होना शुरू होती है, ठीक होना शुरू होती है और आप अपने आप को पहचानते हैं, उस रोशनी को पहचानते हैं जो तमाम सृष्टि में व्याप्त है और आपके अंदर भी चलायमान है। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुमित जी हैं श्री गंगानगर से। सुमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरी बर्थ डेट है 11 जनवरी 2000। सवाल पूछिए अपना। और मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, क्या मेरी इस फील्ड के अंदर कुछ है? हाँ आप साइंटिस्ट ही बनेंगे, रिसर्च में ही जाएंगे। अच्छा। रिसर्च में ही चले जाएंगे 25वें बरस में और मुझे लगता है कुछ अलहदा ईजाद भी कर लेंगे और बहुत यंग एज में 33वें बरस में। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि निर्णय नहीं ले पाते हैं, निर्णय क्षमता नहीं होती है उनमें, तो डिसीजन मेकिंग भी क्या अच्छी हो सकती है? हाँ, इससे मेडिटेशन से मैंने कहा ना मनस्थिति को ठीक करता है जी, सुलझाता है, तो बैलेंस हो, जब आप बैलेंस होंगे तो अपने आप आपकी डिसीजन पावर सुथरी हुई होगी और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, थिंकिंग में, थिंकिंग प्रोसेस में आपके कंसेप्ट पहली बात तो क्लियर होंगे, आपको सब्जेक्ट समझने आने लगेंगे, उसके बाद आप निर्णय क्षमता, तो अपने जब आपको समझ में आएंगे कंसेप्ट क्लियर है तो अपने आप निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी ना, तो मेडिटेशन सच में आपकी मनस्थिति को, आपके भाव स्थिति को, आपके देह को, आपके विदेह को, मतलब आपके प्रकाश के विस्तार को, सबको करेक्ट करके चैनलाइज करता है सातों चक्रा पे और अंत में आपको अपना विस्तार तो देता ही है जिसके लिए आप पैदा हुए और फिर वहीं जाएंगे शिव से निकल के शिव में, तो ये विस्तार भी मेडिटेशन ही देता है। जी निर्मला जी, अभी के लिए संदीप जी एक बार फिर से झालावाड़ से हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। सर 8 अगस्त 1973। जी सवाल पूछिए संदीप जी। सवाल है सर, मैं अगर कोई व्यवसाय करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? आप व्यवसाय करना चाहते तो कपड़े का, धागे का, लेदर का ये व्यवसाय कर सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ फैंसी आइटम कॉस्मेटिक्स का कर सकते हैं काम, और रिफाइंड ज्वेलरी का कर सकते हैं जो कि कॉस्मेटिक ज्वेलरी और ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सरोज जी हैं हनुमानगढ़ से। सरोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैं तो एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर। जी पूछिए सरोज जी। सरोज जी जन्म की तारीख बताइए और सवाल पूछिए। 12/12/82। ठीक है। नाम है परवेश। ठीक है। सवाल पूछिए अपना सरोज जी। परवेश की शादी नहीं हो रही सर। ये कौन है प्रवेश जी? आपके 12/12/82। आपके बेटे हैं प्रवेश? 82। आपके बेटे हैं ये या भाई हैं? शादी नहीं हो रही जी इसकी। शादी तो नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही इसकी। सरोज जी प्रवेश जी से आपका रिलेशन क्या है वो बताइए। ये मेरा भांजा है। भांजे है तो हम कोशिश करते हैं, मुझे लगता है उसकी शादी और भी लेट है, अभी भी 2 साल और है, 2017 आखिर या 18 अप्रैल तक पे हो पाएगी और जिस लड़की से होगी वो शायद डिवोर्सी हो, पर उसकी शादी तो लिखी है और हो जाएगी अच्छी लड़की से, और हो सकता है कि मैं बहुत सही नहीं हूँ इस चीज में क्योंकि भांजे तक मेरे वाइब्रेशन जाएंगे नहीं। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत बार देखा जाता है कि लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है जो बहुत से उनके काम भी बिगाड़ देता है, तो क्या गुस्से पर भी कंट्रोल किया जा सकता है मेडिटेशन करके? देखिए तुमने जब शुरुआती में मेडिटेशन की बात की थी तो तुमने यही तो कहा था कि शांति प्राप्त करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन से तो, और अशुद्धियों पे तो सबसे रद्दि भाव क्या है आपका गुस्सा ना, बिल्कुल, तो उस पे तो सबसे पहले कंट्रोल होता है। जब आप अपने आप में सोच ही सही रखेंगे तो जो भी क्लटर है आपका, और गुस्सा सबसे सबसे बड़ा शत्रु आपकी व्यक्तित्व के बढ़ोतरी का है, तो वो सबसे पहले कंट्रोल होगा, इनफैक्ट आप शांत होने की दिशा में प्रयास करना शुरू कर देते हैं, तो गुस्से पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल पाया जा सकता है मेडिटेशन करके। क्योंकि देखिए मेडिटेशन करने से आप अपनी समस्याओं का कारण भी जानते हैं और निवारण के रास्ते भी प्राप्त करते हैं, और आप अपने प्रकाश को पहचानते हैं कि हमारी देह और विदेह में दोनों में किस तरीके से बैलेंस रखा जाए और इस
सृष्टि में बैलेंस स्थापित करके फिर अपने प्रकाश को विस्तार दिया जाए, ताकि हम बार 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 ये जो रिबर्थ है उससे भी मोक्ष पा सके और रोशनी का हिस्सा बन सके जहाँ से हम छटक के आए। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा और आप रोज मेडिटेशन करेंगे। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, उन सभी को मेडिटेशन से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए नमस्कार। तो दर्शकों, आज के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।